और महाराष्ट्र के पुणे में घर के बाहर घूम रहे बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे की आवाज सुनने के बाद पड़ोसियों ने उसे बचाया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो पुणे के चाकड़ इलाके का है। घर से बाहर अकेले घूम रहे एक 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। एक साथ 6 आवारा कुत्ते बच्चे के ऊपर झपट पड़े। बच्चा जमीन पर गिर गया और कुत्ते उसे नोचते रहे। बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, मदद की आवाज लगाता रहा। सबसे पहले एक महिला घर से निकली, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी और उसके बाद उसके पीछे 2 लोग पहुंचे और बच्चे को आवारा कुत्तों के चंगुल से बचाने के लिए भागे। कुछ ही देर में बच्चा उनके चंगुल से आजाद हो गया। घटना पुणे के कड़ाचीवाड़ी गांव की, जहां पर बच्चे को आवारा कुत्तों ने लहूलुहान कर दिया। 36 सेकंड के इस वीडियो में बच्चे को जानवरों ने इतनी बार नोच डाला कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। बच्चे के गर्दन, चेहरे और हाथ पर चोट लगी है। हमले के बाद बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुणे के ग्रामीण इलाकों में इससे पहले भी आवारा कुत्तों के हमले की खबर आ चुकी है, जहां आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस घटना के बाद नगर निगम को भी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अब 6ठा भेड़िया लगातार शिकार की तलाश में महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहा है। रविवार की रात भेड़िए ने घर की छत पर सो रहे 11 साल के अरमान अली पर हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में अरमान अली घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य में प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। वन विभाग के तमाम इंतजाम के बाद भी महसी इलाके में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले की घटना से करीब 110 गांव के लोग दहशत में हैं। महसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस, PSC के जवान और जिले के दूसरे कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं। बावजूद इसके भेड़िया लगातार हमले कर रहा है। हमले का ताजा मामला महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का है, जहां पर 11 साल का बच्चा घायल हो गया। रात में मेरे भाई के साथ हुआ कि दूसरे छत पे आके भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी, पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुसकाया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया, तभी भागा उसने। गौरतलब है कि बहराइच की महसी तहसील में पिछले 200 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने अभी तक 9 बच्चों समेत 10 को अपना शिकार बनाया है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।